हाय, मेरा नाम अंकुर है और मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम आशी है और मैं एक होम शेफ हूँ। जाने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मेरे तो बिल्कुल एक होता है ना फ्लैशबैक। मैंने पढ़ाई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, लेकिन जेएनयू बहुत आता था मैं। अच्छा। अपने जब मैं यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था तो मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ से मास्टर्स कर रहे थे, तो उनसे मिलने के लिए आना जाना होता था। नहीं एक्चुअली पता है ये स्टूडेंट एरिया ही है यहाँ पे, इसको कहते ही कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है, लाइक सारे स्टूडेंट्स ही भरे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, वो भी बिहार यूपी से जो मैक्सिमम स्टूडेंट है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो गेट की तैयारी करने अपने आते हैं या फिर IAS की तैयारी जो बिहारियों का सपना होता है वो वहाँ पर तैयारी करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, IAS मास्टर हो गया और आपका एक दो और इंस्टीट्यूट है जो इस एरिया में ही है, और जो स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे चीप मिल जाता है रूम्स वगैरह जो है बाकी एरिया के कंपेरिजन में। वसंत कुंज वसंत विहार के कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं और उनके लिए अच्छा है, और लोकेलिटी स्टूडेंट्स की है सो दे आर कम्फर्टेबल हियर। सो यहाँ भी बहुत स्टूडेंट्स आपको मोर ओवर क्या होता है ना, यहाँ पे खाने का ऑप्शन है, 24/7 आपको खाना मिल जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लाइक वो लोग रात को पढ़ते हैं लेट नाइट स्टडीज करते हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। मैं यहाँ 5 साल पहले आई थी दिल्ली में जॉब, जब मैं MSc कंप्लीट किया था मैंने, मेरे डैड सिविल सर्विसेज में है तो उनका काफ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है इधर से उधर, तो मैं ऐसे घूम घूम करके हर जगह पली बड़ी हूँ, मेरे अंदर हर जगह का इन्फ्लुएंस है थोड़ा थोड़ा। एंड 5 साल पहले मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी फॉर जॉब, तो 5 साल से यहीं हूँ, कटवरिया सराय में ही हूँ, तो अभी तो यहीं रह रही हूँ। एंड लास्ट ईयर हमारी इंगेजमेंट हुई है, उसके बाद से लिव्स इन गुड़गांव, तो ये विजिट करते रहते हैं। लाइक अभी ही इज़ अ बिग फैन ऑफ योर्स, मैंने उनको आपका मुजफ्फरपुर वाला ब्लॉग दिखाया था एंड ही हैड टू मीट यू, उसने कहा कि मेरे को मिलना है, ही इज़ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से? जी हाँ, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में बैरिया। अच्छा, बैरिया से। सो बैरिया बस स्टैंड के पास ही मेरा घर है। सो मैंने अपनी 12th तो मुजफ्फरपुर से की, होली मिशन से। अच्छा। एंड आफ्टर दैट आई मूव टू दुर्गापुर फॉर माई इंजीनियरिंग एंड मैं यहाँ दिल्ली में 7 साल से रह रहा हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव में, मेरा ऑफिस है। बचपन में जब कभी भी नानी के यहाँ जाती थी ना तो दिस इज़ लाइक वो सुबह सुबह लाल चाय और छिलकी रोटी होता है आटे का, सिर्फ आटे में हल्का नमक डाल करके वो रोटी बनाती हैं घोल करके तवे पे, तो वो भी डिफरेंट चीला की तरह पर आटे का चिल्ला और कुछ मसाला कुछ भी नहीं, और उसमें भी वैरायटी है। अगर आप मीठे के साथ खा रहे हैं, जैसे चाय के साथ खा रहे हैं, चाय मीठा है तो उसके साथ आपको नमकीन चीला मिलेगा, लाइक नमकीन छिलकी, पर अगर आप सब्जी के साथ खा रहे हैं तो फिर आप मीठा चीला खाएंगे, तो वो वेरिएशन हो जाता है आप जिसके साथ खा रहे हो ना उसके हिसाब से। स्नैक्स का वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नीमकी वगैरह और ये ना कच्चे प्याज का चना दाल डाल करके पकौड़ा है। अभी का जो सीज़न है अभी नया प्याज उगता है तो बिल्कुल फ्रेश जो टेंडर लीव्स होते हैं ना उनको चना दाल को पेस्ट बना करके, पेस्ट लाइक दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा फाइन कर देंगे ना तो वो क्रिस्पीनेस नहीं रहती है, जो दरदरा उस चने के पेस्ट में प्याज मिला करके वो बिल्कुल प्याज के पत्ते का टेस्ट आना चाहिए। और ये नीमकी तो बिहार का नीमकी ये तो हर घर में मिलेगा। हाँ, मतलब जब आपको जाना है बाहर तो नाश्ते में नीमकी ही होना चाहिए। बिहार में आप देखोगे ना, और पर्टिकुलरली हर जगह ही मुझे लगता है कि वो बहुत जो अपना नेचर में अपने आसपास ना और सीजनल खाते हैं जो जिस टाइम पे अवेलेबल है वो अपना टेस्ट बड भी वैसे ही डेवलप कर लेते हैं। जैसे अभी प्याज का पत्ता अवेलेबल है, मूली का पत्ता अवेलेबल है, तो क्या बनाया, प्याज के पत्ते का पकौड़ी बना लिया तो मूली के पत्ते का चटनी बना दिया, ऐसा करके ना मतलब जो अवेलेबल है सब यूज़ कर लिया। एक बात और अच्छी है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता। हाँ। जैसे लोग मूली खाते हैं, मूली का पत्ता फेंक देते हैं बहुत जगहों पे। लेकिन बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल आपने चटनी में कर लिया, बहुत जगह सब्जी बना लेते हैं इसकी। मूली के पत्ते की साग बनाती है, मूली के पत्ते का फ्राई करके मूली और मूली के पत्ते को मिक्स करके, अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर पे भी बनता रहता है। मतलब बिहार में या फिर काफ़ी जगहों में मतलब पहले के लोग हैं ना वो बहुत यूटिलाइज करते थे चीज़ों को, कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे। हाँ, मुझे लगा था कि चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन बिल्कुल सही है। थैंक यू। इसको क्या बोलते हैं? कुशी केराओ। कुशी केराओ, केराओ ये मटर की तरह ही है। नॉर्मल मटर को भी ना केराओ कहते हैं बिहार में। ये मस्ट है जितिया में, ये तो बनना ही बनना है। और ये ना इसी सीजन में मिलता है, मतलब मोस्टली आप देखोगे ना बिहार में जो खाना बनता है ना सीजन वाइज मिलता है। अभी जो बन रहा है तो अभी ये अवेलेबल है तो ये बना लेंगे। और इसके साथ जो से कुछ कुछ साग होता है जो पर्टिकुलरली इसी सीज़न में आएगा। बारिश खत्म हुई है और ठंडियाँ शुरू होने से पहले जो साग होती है, नोनी साग बोलते हैं, वो सारे साग अभी आएगा तो वो अभी खाएंगे। और लाइक मस्ट है, वो जितिया के नाम पे खा लेते हैं। पर वो मतलब सोचो ना, फेस्टिवल भी वैसा बनाया गया है कि उसमें जो अवेलेबल चीज़ें वही खाना है। और इसको मैंने भिगो दिया था। अच्छा, पूरी रात भिगोया इसको? इसको ना मिनिमम 12 आवर्स तो भिगोना ही है, ओवरनाइट तो भिगोना ही है, क्योंकि ना बहुत हार्ड होता है ये। आप देखोगे इसको खोलोगे ना तो ये मूंग और मटर के बीच का है। और इसमें भी ना वैरायटी है, कुछ ऐसा होता है कि लाइक 1-2 सीटी में गल जाता है, कुछ ऐसा होता है कि आप 10-15 सीटी भी लगा लो तो नहीं गलेगा वो। इसमें हम डालेंगे उबालते वक्त थोड़ा सा नमक। तो अभी हम इसको मीडियम पे डाल देंगे और हम वेट करेंगे 7-7 सीटियों का, क्योंकि काफी हार्ड है ये। तो 7 सीटी में भी ये होगा या नहीं होगा गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन है। मतलब पूरी रात आपने भिगोया, उसके बाद 7 सीटी लगाई, उस पर भी नहीं है कि पक्का गल जाए जी। नाउ यू नो कि रेयर क्यों है, किसके पास इतना टाइम है कि उतना उसको बनाए। हम तो कुकर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे कुकर भी यूज नहीं करते थे। वो तसला होता है ना, तसली, उसमें या भगोने में बनाते थे, उसमें उबलता रहता था। तो वो लोग क्या करते थे, दिन में चढ़ा के चले गए अपना काम वाम करने के लिए। और वो क्योंकि वो लकड़ी की आंच होती थी तो धीरे धीरे कम होती रहती थी और वो उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाती थी। पर हम गैस में ऐसा कर नहीं सकते, तो हम इसको 7 सीटी के लिए छोड़ देंगे। हम इनमें हम कुछ और बना लेते तब तक। तो मैंने ओल ना पहले से उबाल के रख लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, उसको बहुत अच्छे से साफ करने की ज़रूरत है। फिर इसका छिलका निकाल के इसको नॉर्मल पानी में, मतलब सॉसपेन में डाल करके 15 मिनट के लिए उबाल लिया तो ये सॉफ्ट हो गया। काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है ये 15 मिनट। इसमें भी मैं गार्लिक और मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट है, ये मैं डाल दूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि इसमें ना हम खटाई डालेंगे तो नमक थोड़ा तेज़ चाहिए होगा। और मीनवाइल इसमें खटाई बहुत ज़रूरी है, नहीं क्योंकि ना गला फिर नोचेगा आपका अगर आप ऐसे खा लेंगे बिना खटाई के ना। मेरे को पर्सनली इसका चोखा ज़्यादा पसंद है। और ये ना काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हो आप, फ्रिज में, या नहीं भी फ्रिज में रख रहे हो ना, क्योंकि पहले टाइम में फ्रिज वगैरह तो होना नहीं था। तो अगर आपके पास फ्रिज नहीं भी है तो भी आप इसको लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकते हो। इसको एक्चुअली गरम गरम जब आप करोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है वो हार्ड होता जाता है थोड़ा थोड़ा। अब आएगा इसमें की इंग्रेडिएंट, सरसों का तेल। आम का अचार तो सभी खाते हैं, हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये सारी चीजें से ओल का अचार हो गया, कटहल का अचार हो गया। कटहल का अचार नहीं मिलता है यहाँ कहीं। आपको पता है अभी ऐसा लोगों ने चिकन वगैरह खाना शुरू कर दिया है। जब मैं छोटी थी और मैं घर जाती थी, गाँव वगैरह जाती थी, तो दे नेवर यूज टू ईट चिकन। उनका मानना था कि वो चिकन, क्योंकि वो फीसिस वगैरह पे फीड करता है ना, तो वो गंदा है, डर्टी है, वो नहीं खाते थे। अब लोगों ने खाना शुरू कर दिया, पर पहले वो चिकन और अंडा नहीं खाते थे, सिर्फ मछली और मटन। मछली लाइक नॉर्मल डेज में खा लिया, और मटन का तो लाइक होली पे और विजयदशमी पे मस्ट है। और अदरवाइज लाइक घर पे वो कहते हैं लाइक दामाद अगर घर आ रहा है या घर का कोई इन लॉ घर आ रहा है तब मटन बनता था, अदरवाइज मछली खाते थे मोस्टली। और क्योंकि वहाँ पे ऐसे समुद्र वमुद्र तो है नहीं, तो वो तो एक फ्रेश वाटर नहीं, तो धान के खेतों में जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, मोस्टली वो वही खाते थे। अब इसको स्मेल करोगे तो बहुत पंजेंट स्मेल होती है इसकी, है ना, मतलब बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। और झांझ आना चाहिए एक्चुअली। तो ये नॉर्मल साइज़ की मुझे छोटी चाहिए थी, बट ये मुझे एवरेज साइज़ मिली, तो मैंने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया, क्योंकि फिर इसको ग्रेवी डालना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये कौन सी वाली मछली है? कुछ नाम? ये बाटा। हाँ। तो मेरे को 2-4 नाम पता है। एक रोहू पता होगा। रोहू फेवरेट फिश है। और उसके बाद यहाँ पे मिलती है कतला। ये लहसुन अदरक डाल दिया, लहसुन अदरक और ग्रीन चिली। हाफ काला सरसों है, हाफ पीला सरसों है। अच्छा। दोनों को मैंने रात में भिगा दिया था। अच्छा, ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, कितना सरसों का जाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन, मतलब क्या रेशियो होना चाहिए फिश इज टू सरसों? जैसे मैंने हाफ किलो फिश लिया है, हाँ। तो मैंने 1 चम्मच काला सरसों डाला था और 1 चम्मच पीला सरसों डाला था। बस एक्चुअली ये पेस्ट बनकर के ज़्यादा लगता है आपको, वरना ऐसे कम ही होता है। लग तो ज़्यादा रहा था काफ़ी, लेकिन सिर्फ 2 चम्मच है। 2 चम्मच है कि वो फूल गया था ना, और फिर वो पानी डाल के पेस्ट भी बनाया है। अब हल्दी डाल दिया। हाँ जी। ये धनिया पाउडर। अच्छा। जीरा पाउडर आधा से भी थोड़ा कम। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए, तीखा नहीं है ये, बस कलर के लिए है। क्योंकि हमने मछली में नमक डाल रखा है पहले से, तो हम ग्रेवी में थोड़ा कम डालेंगे। थोड़ा टमाटर हम थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे और प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे ताकि इसके भाप में पक जाए। थोड़ा वो स्टीम में खुद भी खुद पकता रहेगा, और तब तक हम अपने फिश पे काम करते हैं। अब पानी डाल दिया इसमें आपने? हाँ, पानी डाल दिया। अच्छा, थोड़ा इसमें झोल होना चाहिए ना? हाँ, झोल तो होना चाहिए। इसमें बस एक उबाल आना है। हाँ, उबाल आ जाएगा तो फिश डालेंगे, क्योंकि फिश ना एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है ये। इसको मैंने सिर्फ नमक, हल्दी और थोड़ा सा वो लहसुन का पेस्ट डाल करके इसको फ्राई कर लिया था तवे पे। सैलो फ्राई किया, डीप फ्राई नहीं करा था, क्योंकि ये ना बहुत सॉफ्ट थे फिश तो। और इसको मैंने कट भी कर दिया था बीच से, तो अगर मैं इसको ज़्यादा फ्राई करती तो ये टूट जाती। इसका ना कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। हम इसको चेक करेंगे कि ये हुई है या नहीं। ये इतना उबालने के बाद भी अभी इतना हार्ड है, अभी ऊपरी तरह से वो हुआ अभी नहीं गला, नहीं गर्म होगा। अंकल तो गया है, एक आध आप दूसरी उठाओ, वो नहीं होगी। तो इसमें तो कुछ इसको मतलब इसकी ग्रेवी बनाएंगे कुछ ऐसे? इसको हम ग्रेवी बनाएंगे जैसे छोले बनाते हैं ना, ये हमारा देसी छोला है। ये तो ऐसे ही टेस्टी लग रहा है खाने में। इसको सिर्फ नमक के साथ एक्चुअली ऐसे भी खाते हैं लोग, मतलब वहाँ पे इतना अवेलेबल है, तो इसको ऐसे निकाल लिया और इसमें फिर नमक, हल्दी और वो मसाले वसाले डाल करके हल्का फ्राई कर दिया तवे पे। पर बेसिकली इसका झोल बनाते हैं। इसका ना पानी भी यूज़ करेंगे झोल बनाने में। ये बहुत पॉपुलर हो गई अभी, बहुत लोगों को पता नहीं है, बट बड़े बड़े शेफ वगैरह ना वो काफ़ी प्रेफर करते हैं। ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है ये। इसकी भी 2 वैरायटी होती है। इसका भी एक बड़ा वेरिएशन आता है, ये जंगली वेरिएशन है, देसी वेरिएशन। इसका फ्लेवर ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब इसमें ना एक उबाल आ गया, तो अब हम इसमें फिश डाल देंगे। फिश भी रेडी हो गई है, हम इसको बस गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती से। हम इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें ना ग्रेवी थिक चाहिए। रोल बनेगा ना तो कुछ दाने खड़े रहेंगे और कुछ इससे ग्रेवी बन जाएगी हमारी, थिक ग्रेवी। गरम मसाला है, खड़ा गरम मसाला। 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का, और 2 लौंग और तेज पत्ता है। 1 तेज पत्ते को मैंने टुकड़ा कर लिया है। इसमें जिंजर है, गार्लिक है और ग्रीन चिली। तो मैंने पेस्ट बना दिया था। नमक डाल देते ताकि प्याज पक जाएगा जल्दी, क्योंकि हमने नमक पहले डाला हुआ था। और पानी में नमक है तो कम नमक डालेंगे इसमें। तो हल्दी डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये 1 बड़ा टमाटर है। ड्राई हो जाता है। दाल की वैसे भी नेचर होता है वो थोड़ा ड्राई रहता है। थोड़े से ना खड़े वाले ही दाने डाल देंगे। जैसे एक वो दाल है कुलथ, कुल्थी डालते हैं, हिमाचल में कुलथ बोलते हैं उसको। हाँ। तो वो कितना ज़्यादा अब लोगों ने खाना शुरू कर दिया कि वो कहते हैं उसको स्टोन वगैरह के लिए। एक्चुअली उसको ना उसके पानी रात में भिगो के सुबह उसके पानी पीने से वो एक्चुअली हेल्प करता है स्टोन को डाइजेस्ट कर डिसॉल्व करने में। जरूर इसका भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगा। ये सारी चीज़ें लोग खाते नहीं हैं तो, लेकिन कुछ जो लोग खाते थे उनको पता ही होगा कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। अब लोगों ने इन सबको फेमस करना शुरू किया है। जैसे अब वो मड़ुआ का आटा वगैरह जो होता है वो पहले बिहार या फिर जो लोग कहते थे कि जिनके पास पैसे नहीं है जो बहुत गरीब है वो उन लोगों का अनाज है, बट अब वो यहाँ पे 1000 रुपए में बिकता है। वहाँ पे मिथिलांचल में बोल रहे थे कि लोगों ने शहरों में अब खाना शुरू किया, यहाँ पे आदिकाल से लोग खाते आ रहे हैं। ये तैयार हो गया ना, बस अब एक उबाला है, उबाल आ जाएगा, ये मिक्स हो जाए सब एक दूसरे से मिल जाए। पानी सारा निकल गया, चने अलग हो गए। इसको नहीं डालेंगे? नहीं, हमने थोड़े से डाल दिए ना, फिर अच्छा। ये रहेगा तो ज़्यादा सिर्फ इसी का टेस्ट आएगा। मतलब बिल्कुल एक जैसा हो गया, मतलब कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए हमको झोर जैसी, मतलब दाल जितनी गाढ़ी नहीं होगी ये और मतलब पानी जैसी पतली भी नहीं होगी। हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, क्योंकि हमने इसमें खड़ा मसाला डाला था तो वैसे बस फ्लेवर के लिए ऊपर से थोड़ा गरम मसाला पाउडर। ये तो एक घर के बनाए हुए आलू चिप्स हैं। ये है चावल के आटे का बना हुआ बरी तिस्योरी, इसको दनौरी बोलते हैं हम लोग। चरौड़ी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, चरौड़ी, चावल से बना चरौड़ी, चरौड़ी। और ये तिस्योरी। दही बड़े, पोई डाटा का सब्ज़ी, फिश, मटन है ये केराओ का झोर है, बूंदी, ये आलू के चिप्स है, तिस्योरी है और वो चावल के चिप्स है। ये है बचका लौकी का, ये है मूंगफली चना दाल और धनिया पत्ता की चटनी, ये लाल साग, ओल का चोखा है, ये केले का भुजिया है, ये पुआ है, छिलकी रोटी, कंदा की सब्ज़ी, ये पोई साग है चना दाल के साथ, आलू भुजिया 5 फोरन डालकर, ये है कतरा मूली और प्याज का। वैसे पहले खाना शुरू करें, आपने बताओ ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है ये स्पेशल थाली में? इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक्चुअली बिहार में ऐसे खाना बनता है। अभी आपकी थाली में जो भी है ना, एक तो ये जितिया वाला स्पेशल सब कुछ है, प्लस होली वाला स्पेशल भी इसमें आ गया, मिक्स हो गया है। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, अगर काउंट भी करूँ तो लगता है मुझे 15-20 तरह की आपने चीज़ें बनाई है, और इतने मेहनत से बनाया है, इतना टाइम लगा के। तो शुरू करने से पहले ही मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने इतने समय बना के सारी चीज़ें दिखाई। कि आप आए, मुझे मौका मिला आपके लिए ऐसे बनाने का। मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस फॉलो कर रही हूँ, तो अब मेरे को खुद बना के खिलाने का मौका मिला है, तो आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू फॉर कमिंग। तो हमको जी कहाँ से शुरू किया जाए, कौन सी डिश से शुरू किया जाए? आपको कुशी केराओ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यही यू नो हाईलाइट है। तो किसके साथ खाएं इसको, राइस के साथ या छिलके के साथ? राइस के साथ ज़्यादा बेटर टेस्ट करेगा। जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो करदी फ्लेवर है, हाँ, एक अच्छा सौंधापन है इस दाल में, और जो आपने दाल को पहले पीस के डाला है वो एक अच्छा थिकनर की तरह काम कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। और ये बहुत सोल फूड है, मतलब सिर्फ चावल और ये खाओगे तो आपका पेट और मन दोनों भर जाएगा। हम देखा जाए कि जो भी खाने का बेस है बिहारी खाने का वो मेनली सरसों का तेल है, सरसों का तेल, लहसुन, ये दो मेन की इंग्रेडिएंट है खाने में। उसके बाद वो खुद ब खुद वेरिएशन मसाले ऐड होते जाते हैं, किसी में टमाटर किसी में सरसों, वेरिएशन अपने हिसाब से बनता रहता है। अच्छा, और अर्चना खा नहीं रही है क्योंकि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है। ये 5:30 बजे खाएंगी, हम लोग ने खाना शुरू कर दिया है। ये भी रीज़न है, और जब मैंने खुद कुक किया है तो आई वांट कि आप खाओ, मैं होस्ट हूँ तो आई वांट टू बी अ बेटर होस्ट। आप खाओ उसके बाद आई ईट। बहुत टेस्टी है। थैंक यू। नेक्स्ट मटन, ये प्रॉपर यू नो बिहारी मटन है। इसका ना एक की फैक्टर है जो इसको बनाने में यूज़ होता है। लाइक अगर 1 किलो मटन है तो उसमें 1 किलो प्याज और आधा किलो लहसुन और अदरक का पेस्ट। ज़्यादा मसाले नहीं होते इसमें। जो बेस जो ग्रेवी है ना वो सिर्फ प्याज और लहसुन की ग्रेवी है, टमाटर वमाटर कुछ भी नहीं जाता है इसमें। तो बिल्कुल मतलब मटन का फ्लेवर आना चाहिए। जो बिहारी साइड में मटन बनता है उसका अलग ही स्वाद है। हाँ जी, बहुत मज़ेदार होता। और ये इसके हाथ का बना हुआ मटन मुझे बहुत पसंद है, ऑथेंटिक होता है। मटन का तो है कि जितना आप कितने धीमी आंच पे पका रहे हैं और कितने अच्छे से मसाले को भून रहे हैं वही फ्लेवर लाता है। और मटन में इनफैक्ट ज़्यादा मसाले की ज़रूरत होती भी नहीं है। हाँ, इसका खुद का टेस्ट होता है। मतलब पंजन भी है और थोड़ा मीठा भी है। हाँ, दोनों ही टेस्ट है। मतलब हल्का सा मीठा, मतलब टमाटर डाला है, प्याज टमाटर। हम लोग वहाँ गए थे दरभंगा, तो वहाँ फ़िश खा रहा था मैं एक शॉप पे बैठ के, तो मेरे से कांटे निकाले नहीं जा रहे थे। मतलब मैं निकाल रहा था कांटे लेकिन बहुत मशक्क़त कर रहा था। तो वो जो ओनर थे शॉप के, खुद से निकाल के दिया। उसने बोला था, एक डायलॉग याद है मुझे, ये मछली है देसी, इसका टेस्ट है बेसी। ये पोई का साग है। केले का भुजिया, सरसों डाल के, बस ये, कुछ भी नहीं डालना है इसमें, सिर्फ नमक हल्दी और तेल, सरसों तेल। ये छिलका है। इसका लाइक की पॉइंट है ना, इस पे आपकी ना उंगलियों के ग्रूव बनने चाहिए। अगर आप देखोगे ऐसे राउंड ना ये ग्रूव बनने चाहिए, तो वो ऐसे बनने चाहिए ग्रूव। इसको किसके साथ खाया जाए, किसके अच्छा लगेगा? मटन के साथ खा सकते हो। आपने ओल का चोखा ट्राई नहीं किया, आपको पंजेंट लगना चाहिए ना। ये टेस्ट चेंज करने के लिए एक्चुअली पैलेट में ना बहुत देर से एक ही चीज़ खा रहे होते हैं, तो टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा किक करता है वो जाके अंदर पैलेट में। बिल्कुल, स्वाद बदलने के लिए। हाँ जी, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। ये साग है, लाल साग ना? लाल साग। सोचते हैं कि बस लिट्टी चोखा खा लिया, बिहार खाना खत्म हो गया, जबकि बिहार का खाना वहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि आज इतना आप आइटम्स देख रहे हैं, ये बहुत कम है। इसके बाद भी ऐसे सैकड़ों आइटम्स हर डिस्ट्रिक्ट के, हर गांव के, जो हम भी नहीं जानते हैं, कि जो वहाँ के मूल बासिंदे, जो लोग वहाँ रहे वो जानते हैं। जैसे आपके चैनल के माध्यम से आप जैसे जितनी बार आप गए थे उन गाँवों में, जगह जगह पे, तो वो एक पर्टिकुलर, हर जगह एक पर्टिकुलर डिश होगा जो हम लोग नहीं जानते, सिर्फ वही लोग बनाना जानते हैं। आपके चैनल के थ्रू वो फैले, पूरा बिहार के लोग जाने, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसको पूरा साथ में खाएं या मीठे की तरह खाएं इसको लास्ट में? आप मटन में डिप करके भी खा सकते हो। अच्छा, ग्रेवी से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को आदत नहीं, जैसे मुझे आदत है कि मटन या चिकन बनता है, और हम लोग तो जो ठेकुआ बनता है, तो घर पे कभी ऐसे नॉर्मल ओकेजन पे बना ठेकुआ और मटन, मुझे बहुत पसंद है। मीठा और स्पाइसी बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। वन डिश आप जो 7 दिन खा सकते हैं, सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। मटन और चावल, मीट और भात। हमें तो मांसो भी बोलते हैं। मांसो मतलब वो मीट को मांसो। आपका दाल चावल भुजिया। चावल दाल आलू का भुजिया, एनी डे, 7 दिन में 2 टाइम, 3 टाइम दे दो, और साथ में अगर पापड़ मिल गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। मेरे को भी अगर सिर्फ बिहारी खाने की बात की जाए तो सादा सिर्फ दाल भात आलू का भुजिया। मैंने अपने लाइफ के जो पूरा जो स्कूलिंग है मेरा फ्रॉम नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक जब तक मैं घर पे रहा हूँ मेरा ये होता है कि सुबह को जब मैं घर से निकलता था स्कूल के लिए मॉर्निंग स्कूल्स होते थे तो उस समय घर डेली चाहे कोई भी मौसम हो चूड़ा और दही सुबह का मेरा नाश्ता होता था। तो आपको भी बहुत पसंद है मैंने देखा था। बहुत मजा आता है। चूड़ा दही खा करके जाता था। दोपहर में 2 बजे आता था। घर पे चावल दाल आलू भुजिया कोई सब्जी बन गई तो मेरे लिए आलू भुजिया बनता ही बनता था, वो खाया। रात को मुझे मेरा खाना फिक्स था, दूध में 3 रोटी डाल के और 1 रोटी सब्जी के। ये तो बिहारी परमानेंट मील है, ये हर बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है टीनेज बच्चा यही खाता है। मैंने उसके साथ अपने वो 10-12 साल जब मैं स्कूलिंग किया मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। यू नो ये फिक्स डाइट है एंड हेल्दी भी था, डाइट भी टाइम पे। ये दूध रोटी बहुत खाते हैं बिहार के तरफ बहुत, और रात के टाइम लोग पसंद करते हैं खाना, मतलब डिनर में। लेकिन मैं अभी ये सारे नखरे बस तब तक जब तक घर पे हो तब तक ही होता है। मेरा भाई वो अंडे के अलावा कुछ नहीं खाता था, सिर्फ आलू और अंडा, आलू और अंडा, ये उसका डाइट होता था। आज वो करेला भी खाता है, आज वो मछली भी खाता है, वो सब खाता है। आज हम तो इतना मजाक उड़ाते हैं उसका फ़ोन कर करके कि तुम क्या ही नखरे करते थे तब। वो एक समय होता है, जैसे करेला मैं भी उतना शौक से नहीं खाता था लेकिन अब खाता हूँ। चलिए यही ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हम लोगों को बताएं कि दिल्ली जो शहर है यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आके बसे और उनका खाना कितना डाइवर्स है वो लोगों को पता चले, उनकी कहानी पता चले। इसलिए हमने ये सीरीज़ की शुरुआत की है कम्युनिटी एंड फूड स्टोरीज़, और उसमें हमने आज बिहारी खाना खाया। आप दोनों का धन्यवाद इतना उम्दा खाना बनाने के लिए, और सभी चीज़ें बहुत ही जायकेदार थी और ये काफ़ी नायाब था मेरे लिए। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने खाया केसू नाम याद नाम भी याद नहीं हो रहा है। कुशी केराओ, कुशी केराओ। तो ये रसिया है। रसिया इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं? इसमें कुछ भी नहीं है, बस गन्ने का जूस है और चावल, और गार्निशिंग के लिए बस कोकोनट का जो बुरादा होता है ना, डेसिकेटेड कोकोनट और मूंगफली भुनी हुई। चलिए ये हमारे वहाँ छठ पूजा में बनता है, मतलब है डेयरी ज़्यादा यूज़ नहीं होती तो ये रस का खीर बनता है वहाँ पे। क्या उसका नाम होता है? खरना। खरना, खरना के दिन बनता है ना। खरना के दिन एक ये बनता है और दूसरा लोग जो बनाते हैं कुछ अब जो बनने लगा है गुड़ से जो बनाते हैं गुड़ की खीर, सेम होता है क्योंकि वो भी गन्ने से बनता है। ये इसका प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब जब गन्ने के रस से ही बन जाता है। जब आप डाल रहे थे तो मुझे दिमाग में वही घूम रहा था। हाँ जी, मतलब ये और पूरी या फिर वो प्लेन रोटी प्रसाद में बनता है। बहुत बढ़िया। लाइक इट। मूंगफली है इसलिए नहीं, ऐसे भी अच्छा। मेरे डैड की फेवरेट है, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे बनाओ ये बनाओ। आप चाहे तो उसको रख करके इसमें दूध मिला के भी खा सकते हैं। चलिए जाते जाते 2 चीज़ें और मेरे जहन में आ रही है, आपसे पूछता हूँ आप दोनों से। बीइंग बिहारी इन दिल्ली क्या पर्सपेक्टिव है उसका? लोगों का पहले पर्सपेक्टिव था कि दे आर नॉट दैट डेवलप्ड, उसने डेवलप नहीं है वहाँ के लोग। बट धीरे धीरे जब आप आने वाले पिछले 10 सालों में बोल सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में जो भी बिहारी बिहार से बाहर निकला है दे आर एट अ वेरी गुड पोजीशन, लाइक कहीं भी जिस फील्ड में है उस पोजीशन में टॉप पे कर रहा है। इन माई केस मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली हैज एक्सेप्टेड मी वेल, मतलब मेरे को अभी कभी फील नहीं हुआ था मैं आउटसाइडर और ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ मेरे को। आई फील लाइक आई बिलोंग। और ये अपने साइड से बिना अगर आप सिटी को एक्सेप्ट करोगे तो सिटी भी आपको एक्सेप्ट करेगी। और लास्ट, मैं या हम? मैं। हम। मैं। ये वो फील है ना, आप ये मुझे बोलती भी है कि जब हम बात करने बैठेंगे किसी से, आपने लगे ना घर से कोई बात करने बैठेंगे तो ये मेरा फ्लो निकलता है, और जब ये फ्लो निकलता है हम एकदम ठीक हैं, एकदम मज़े में हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सब चीज़ ठीक है ठाक है। ये जो फील आता है ना तो ये अंदर से आता है एंड दैट मेक्स मी हैप्पी। ऑफिस में यस सर यस मैम करते करते जी सर मैं बोल रहा हूँ सर, वो अलग है। लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर छोटा सा लाइफ होता है मेरा, यहाँ पे जैसे वो मेरा फ्रेंड अभी आया हुआ था, वो उसके साथ मैं बात करता हूँ या घर पे मॉम डैड से बात करता हूँ, तो मेरा वही रहता है, हम रहते हैं, तो मैं हम में ही खुश हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं है, लाइक जैसे कि मैं हमेशा बाहर रही हूँ तो मेरे में मैं ही है। वो मेरे मॉम डैड जब बात करते तो हमारे जो लोकल लैंग्वेज है मगही है, तो आपस में मगही में बात करते हैं। दे ट्राइड अ लॉट कि सिखा दे, हम सुनते हैं, हम जानते हैं, हम समझ भी लेते हैं, पर जब बोलने का ऐसा कभी मौका नहीं मिला तो शायद वो हमारे फ्लुएंसी में आई नहीं अभी तक, तो वो हम वाला नहीं आया अभी तक। मे बी 1-2 महीने जाके रहूँगी बिहार में तो हो जाएगा, आ जाएगा। समय के साथ आ जाएगा। भी आ गया था जब आप जाके गए थे, वो कुछ दिन के लिए गए थे, आपका मैं वो तो है वहाँ जाते, वो तो वहाँ बॉर्डर पार करते ही, और घर पे भी इनफैक्ट जैसे बात करते हैं तो मतलब याद नहीं है कि कभी मैं निकलता भी होगा। पापा मुझसे बात करते हैं अच्छा। तो वो टोन अपने आप सेट है। आप लोग को बिहार के लोग को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन लोगों में से बिहारी आप बाहर नहीं निकाल सकते, वो एक रूट से कनेक्शन रहता है। बिहार से बिहारी निकाल सकते हो पर बिहारी से बिहार नहीं निकाल सकते।